आज से ठीक 12 महीने पहले हम लिंक एंड को के ओनर बने और ऑनेस्टली उस टाइम ये एक टेम्पररी गाड़ी की तरह हमारी लाइफ में आई थी और प्लान ये था कि कुछ ही महीनों में इसे वापस कर देंगे और एक नई गाड़ी ले लेंगे। मगर एज समवन वाइज सेड, लाइफ हैपन्स व्हेन यू आर बिजी मेकिंग प्लान्स। वो कुछ महीनों का प्लान एक साल में बदल गया और मेरा जो एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ रहा है लास्ट एक साल का, मुझे नहीं लगता कि मैं इस गाड़ी की चाबी बहुत जल्दी लौटाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरी जर्नी इस गाड़ी के साथ एज एन ओनर इन लास्ट 12 मंथ्स, जिसमें हम बात करेंगे इसके शानदार फीचर्स के बारे में, ओनरशिप कॉस्ट के बारे में, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इज दिस स्टिल अ गुड। Lincoln Co 01 बहुत ही वेल डिजाइंड, हाईली कंफर्टेबल, सुपीरियर इन टेक्नोलॉजी एंड सेफ है। इस गाड़ी में जो फीचर्स हैं, हो सकता है वो आपको दूसरे ब्रांड्स में भी मिल जाए, मगर मेरे जो टॉप 5 फीचर्स हैं इस गाड़ी के, वो हैं: नंबर 1, पॉकेट में हो कीज, अनलॉकिंग विथ ईज। सबसे पहले मैं कर लेता हूँ गाड़ी को लॉक, उसके बाद ये चाबी गई मेरी जेब में और एक ये सिंपल सा हैंड जेस्चर, गाड़ी हो गई अनलॉक। और अब अगर मुझे लॉक भी करना है, चाबी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, अगेन अ सिंपल हैंड जेस्चर बट थोड़ा सा डिफरेंट, गाड़ी लॉक। फीचर नंबर 2, ठंडी हो हवा तो जन्नत है यहां। अगर आप प्यारी सी सनलाइट या एक नेचुरल लाइट केबिन में चाहते हैं तो आप जो ये कर्टन है उसको पूरा पीछे तक खोल सकते हैं और जो पीछे वाले पैसेंजर्स हैं उनको भी आसमान का बेहतरीन नीला रंग दिखेगा। और अगर आप मेरी तरह ठंडी हवा पसंद करते हैं ड्राइविंग के टाइम, तो आप ये जो रूफ है इसको पूरा पीछे तक खोल सकते हैं और ये अमेजिंग व्यू आएगा। और स्पेशली जो सनी डेज होते हैं, ओ हो, उसमें जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, दैट इज अनदर लेवल। फीचर नंबर 3, एक बटन दबाओ सभी दिशाओं के व्यू पाओ। यहां पर स्क्रीन पे 360 डिग्री पार्किंग कैमरा का ऑप्शन है, वो मैंने सिलेक्ट किया, तो आप अपनी गाड़ी की विसिनिटी में चारों तरफ जो जो चीजें हैं वो देख सकते हैं। एंड आप मल्टीपल ऑप्शंस चूज कर सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ फ्रंट व्यू देखना है, सिर्फ साइड व्यू देखना है, रियर व्यू देखना है, या फिर माई फेवरेट, एक बटन से आप चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं इंक्लूडिंग योर ओन व्हीकल। और अगर आप VR के एक्सपीरियंस को भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक VR का भी बटन है, जिससे कि आप गाड़ी को पूरी तरीके से अंदर से एक्सप्लोर कर सकते हैं, विच इज जस्ट सो ब्यूटिफुल एंड सो फैंटास्टिक। फीचर नंबर 4, जैसा हो मन वैसा स्क्रीन का रंग। अब हर दिन आप जब गाड़ी चलाते हैं तो एक जैसा मूड तो होता नहीं है, कभी कभी आपको लगता है कि सिंपल थीम होनी चाहिए, कभी कभी लगता है थोड़ा पार्टी वाला मूड है, तो यहाँ पर इन्होंने आपको अलग अलग थीम सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अभी मैंने क्लियर थीम सिलेक्ट कर रखी है जो कि बहुत ही सिंपल थीम है, बट चलिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड अगर मेरे को विविड लेना है, जस्ट सी द स्क्रीन, पूरा पर्पल कलर की शानदार स्क्रीन आ गई। और थोड़ा सा अगर मुझे लेट्स से ब्लेज करना है तो ब्लेज सिलेक्ट किया, एंड द ग्राफिक्स चेंज कम्प्लीटली। आई रियली लव दिस फीचर। फीचर नंबर 5, गर्मी की आए याद, फ्रैंक से करो बात। तो जैसे कि गूगल मिनी या फिर एलेक्सा है अमेज़न का, वैसे ही लिंकन को में आपका साथी है फ्रैंक। हे फ्रैंक। हाय देयर। कैन यू टर्न ऑन द एसी? ओके, द एसी इज नाउ ऑन। फ्रैंक ने ठंडी ठंडी हवा का एहसास करा दिया। लिंकन को 01 एक बहुत ही अमेजिंग मॉडल फॉलो करता है, जिसे कहते हैं रेंटिंग विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड।
ये अपनी गाड़ियां सेल भी करते हैं, मगर जिनका मोस्ट पॉपुलर मॉडल है वो रेंटिंग वाला है, जिसमें कि हर महीने ये ओनर से एक फी चार्ज करते हैं और वो कवर करता है रोड टैक्स, इंश्योरेंस और गाड़ी का मेंटेनेंस, जो कि आपकी लाइफ बना देता है बहुत ज्यादा इजी। इस आसान लाइफ के लिए लिंकन को आपसे महीने के 550 यूरो चार्ज करता है। इंडियन व्यूअर्स के लिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, करीब करीब महीने के 50,000 रुपए। मई 2022 में जब हमने ये गाड़ी खरीदी थी तो हमारे को महीने के 500 यूरो देने पड़ते थे, पर जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा ये 550 में कन्वर्ट हो गए। इस फिक्स मंथली कॉस्ट के अलावा आपको रनिंग कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। तो मान लीजिए कि आप महीने में एक बार फुल टैंक भरवाते हैं। लिंकन को 01 करीब करीब 600 किलोमीटर एक अच्छे सनी वेदर में चल जाती है फुल टैंक में, और अभी 75 यूरो करीब करीब लगते हैं फुल टैंक करने में, तो वो कॉस्ट भी महीने की जोड़ लीजिए। उसके बाद ये गाड़ी एक प्लग इन हाइब्रिड है, मतलब आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। एक बार की जो फुल चार्जिंग है वो 75 किलोमीटर्स के लिए चलती है और करीब करीब 5 घंटे लगते हैं एक बारी चार्ज होने में, जिसकी रफली कॉस्ट है 10 यूरो। तो अगर मैं सारी कॉस्ट को कंबाइन कर देता हूँ तो 550 हो गई आपकी फिक्स मंथली कॉस्ट। एज्यूमिंग आपने महीने में एक बार फुल टैंक करवाया और एक बार चार्जिंग करी, 75 यूरो और 10 यूरो, तो 85। तो टोटल ओनरशिप और रनिंग की कॉस्ट आती है 635 यूरो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप विंटर टायर लगवाते हैं तो आपको एक वन टाइम कॉस्ट जो कि 350 यूरो है वो देनी होती है, और आपके जो समर टायर है वो लिंकन को 01 वाले स्टोर कर लेते हैं, एंड जब सीजन वापस चेंज होता है तो दे गिव यू द टायर्स बैक। 2023 में ये रेट थी, हो सकता है 2024 में ये भी बढ़ जाए। अब बात कर लेते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि ड्राइविंग हमेशा सेफली और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ करनी चाहिए, तो आइए ड्राइव करके घर चलते हैं और बात करते हैं एक सेफ एनवायरनमेंट में। सीसी इंजन और 180 हॉर्स पावर के साथ दिस कार इज अ लॉट ऑफ फन टू ड्राइव। मैंने पिछले 12 महीने में इसे ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर चलाया है और मैं कई बार इसे नेदरलैंड्स के बाहर लेके गया हूँ, और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होने की वजह से हाईवे पर तो ये गाड़ी चलाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आपने जो भी स्पीड लिमिट है वो सेट करी और आप एकदम मज़े से ड्राइव को इंजॉय करते हैं। किसी भी तरीके का वेदर हो, इस गाड़ी को चलाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और ये एक कम्प्लीट फैमिली कार है विद इनफ बूट स्पेस and enough leg room and enough headroom for everybody who is sitting in the car, और 5 लोग बहुत ही आराम से और बहुत ही मज़े से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। स्टेयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो जो भी बेयर मिनिमम आपको कंट्रोल्स चाहिए होते हैं वो सब अवेलेबल हैं, तो आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, आप स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं वेर इट इज़ सेट ऑन अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी इज़ अ ग्रेट 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 ऑप्शन अगर आप एक क्रॉसओवर एसयूवी टाइप के मॉडल की गाड़ी खोज रहे हैं। लास्ट ईयर जब हम 01 की टेस्ट ड्राइव लेने गए थे तो मैंने एक अलग वीडियो बनाया था जिसमें कंप्लीट डिटेल्स बताई गई हैं पूरी गाड़ी की और सभी फीचर्स के बारे में बात करी गई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और फाइनली जब हमें गाड़ी की डिलीवरी मिली थी उस दिन का भी एक बहुत ही प्यारा वीडियो बनाया था जिसमें कि हम गाड़ी को मंदिर में लेके गए थे पूजा करवाने के लिए, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। क्योंकि अब पूरा 1 साल हो चुका है तो मुझे लगा कि मुझे एक अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए कि एज अ ओनर ऑफ लिंकन को फॉर लास्ट 12 मंथ्स मुझे इस गाड़ी का कैसा एक्सपीरियंस रहा। मेरा कंक्लूजन यही है कि अगर आप करीब करीब महीने के 600 से 700 यूरो तक अफोर्ड कर सकते हैं टू ड्राइव अ कार, आई वुड हाईली रिकमेंड लिंकन को 01। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो प्लीज कॉमेंट्स में मुझे लिख के बताइएगा, और आपका फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक दबा दीजिए और हमारी जर्नी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।